आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी रक्षाबंधन बहुत अच्छे से मनाए होंगे। हमारा देखिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा राखी हमको बांधा गया है यहाँ पे। हम तो कुछ ज्यादा ही अच्छे से रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली क्या था कि पहले कोरोना आके डिस्टर्ब कर दिया, जिस वजह से ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गए और राखी बनना मेरा रुक गया था। इस बार रक्षाबंधन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए लोग। हम लोग 93 आइटम बनाए थे अपनी बहन सबको खाने के लिए। अब देखिए कितना ज्यादा राखी बनवाए हम यहाँ पे। एक लड़की को एक प्लेट में किसी को तो आटा ही नहीं, कम से कम 3 प्लेट लेना पड़ा था उन लोगों को। अभी ऐसी चीजें हैं, अभी हम इसको डिटेल वीडियो इसका अभी डालेंगे तब आप लोगों को। अभी फिलहाल सब लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामना। सारी बहनों को कहते हैं मन लगा के पढ़ाई कीजिए, एकदम जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए, माँ बाप का सपना पूरा कीजिए, घर का, अपने राज्य का, देश का नाम रोशन कीजिए। हर मायने में लड़का लड़की सब बराबर होता है, बस उसको दिखाना है, अपने आप को साबित करना है। सभी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामना। अभी इसके बाद एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें पूरा डिटेल से बताएंगे। मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, इतना ज्यादा राखी हुआ है यहाँ पे। पूरी दुनिया में इतने ज्यादा किसी को राखी नहीं बांधा गया होगा। मेरी अपनी बहन नहीं है लेकिन कभी भी लड़कियों ने एहसास नहीं होने दिया कि मेरी बहन नहीं है। जिसकी बहन होगी भी उसको इतना राखी नहीं बांधा गया होगा। बहनों के लिए भी पूरा सारा ही बढ़िया से व्यवस्था था, खाना पीना सब चीजों का एकदम। उन लोगों के लिए एकदम यादगार राखी रही होगी। हमसे ये हाथ नहीं उठ रहा है। थोड़ी देर में वीडियो अपलोड करते हैं आप सभी लोग को कैसे हम लोग पटना में रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किए। पूरी दुनिया में इससे बेस्ट राखी हमको लगता नहीं होगा यहाँ पे। सारी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो है हटा चलिए। अभी नहीं चटाया। हेलो, जितने लड़की लोग हैं देखिए आप लोग को, किसी लड़की को हिम्मत नहीं हारना है। इसके साथ इतना बड़ा अन्याय किया गया, मिट्टी में छिड़क कर जला दिया गया, ये सोच के कि इसका कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। आने वाले समय में आप लोग को देखिएगा, ये अधिकारी बन के जब जाएगी अपने जिले में ना, ऐसे दलितों को खींच खींच के मारेगी यहाँ।